पिछले वीडियो में मैंने आपको अमायरलेस बल्ब को निकालकर हम कैसे सेव करें ये बताया था, और इसी वीडियो में मैंने बल्ब्स ग्रो करके दिखाए थे। ये वीडियो उसी वीडियो के यानी अमायरलेस लिली बल्ब्स का अपडेट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मेघा और स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेघाज ब्लॉसमिंग गार्डन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अमायरलेस केयर के बारे में जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज हम अमायरलेस बल्ब की ग्रोथ स्टेजेस के बारे में देखेंगे। ये बल्ब्स मैंने 24 मार्च को टूटे हुए गमले से शिफ्ट किए थे दूसरे गमले में, जो कि मैंने आपके साथ वो वीडियो शेयर किया था। तो ये मैंने बल्ब्स 24 मार्च को लगा दिए थे। इसे मैंने सेमी शेड में ही रखा था, पानी बिल्कुल जब ऊपरी मिट्टी सूख रही थी तभी दिया। यहाँ इस गमले में मैंने 4 बल्ब्स लगा दिए थे, लेकिन मैं श्योर नहीं थी मुझे इतनी जल्दी इसमें से फूल मिल जाएंगे। मैं मई महीने का पकड़कर चल रही थी कि तब फूल खिलेंगे। ये 26 मार्च की स्थिति है। ये 2 बल्ब्स में से बस पत्तियां ही निकली हुई थी। लेकिन 1 अप्रैल को इस बल्ब में से प्यारी सी छोटी सी कली बाहर झांक रही थी। मैंने सोचा अपने व्यूवर्स को भी अमायरलेस बल्ब्स के फूलों की स्टेजेस के बारे में दिखाऊं। अगर बल्ब्स में ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स स्टोर हो तो बल्ब्स पहले फूल वाला स्टॉक निकालता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। बाकी बल्ब्स में पत्तियाँ आती है, फिर उसके बाद उसमें फ्लावर स्टॉक्स आती है। ये 8वें दिन की स्थिति है बल्ब्स लगाने के बाद। उसके बाद ये 12वें दिन यानी कि 5 अप्रैल की स्थिति है। इसमें स्टॉक काफ़ी लंबी हो गई है, बाकी के पत्ते भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये 20वें दिन यानी कि 13 अप्रैल की स्थिति है। आप देख रहे हैं 2 से 3 कलियां बाहर निकलने लगी है। Day 22, आप देख रहे हैं इस बल्ब में भी कलियां निकल रही हैं धीरे धीरे। और ये आधी कली खिली कितनी प्यारी लग रही है। और ये दूसरी कली, आज 23वां दिन है और फाइनली ये फूल खिल गया है। बहुत ही प्यारा फूल लग रहा है और कितना सुंदर दिख रहा है। दोस्तों आज 24वां दिन है, फाइनली ये पूरी तरह से खिला हुआ फूल है और दूसरी तरफ ये कली इधर भी खिल रही है।
आज 25वां दिन है और ये दोनों फूल खिल गए हैं। तीसरी कली भी निकल रही है। एक स्टॉक पर लगभग 3 से 4 फूल खिलते हैं और 2 से 3 दिन तक ये फूल खिले रहते हैं। उसके बाद आप चाहे तो इन फूलों को तोड़ दें या फिर इनमें से बीजे लेना हो तो मुरझाए फूलों को उसी तरह छोड़ दें। इसी स्टॉक पर ये बीजे भी बनाता है। और अगर बीजे नहीं लेनी है तो सभी फूल मुरझाने के बाद फूल के स्टॉक को बल्ब से 1 इंच छोड़कर कट कर दें। और इस बल्ब में न्यूट्रिएंट्स हुए तो और स्टॉक निकालेगा या फिर पत्तियां निकालेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी अमायरलस बल्ब के ग्रोइंग स्टेज के बारे में जानकारी। कमेंट में जरूर बताएं आपके यहाँ कौन सी अमायरलस लिली है और कौन से रंग का फूल है। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। साथ में अगर आप सुनने के शौकीन हैं तो आप मुझे खबरी पर भी सुन सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलती हूं आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।